करना है, चाहे एजुकेशन की बात हो या हेल्थ की बात, तो मुकेश सर से जरूर एक बार मिलेंगे। और आज इस कार्यक्रम में इनका सम्मान किया गया है, तो बच्चों को दो शब्द संबोधित करेंगे सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और यहाँ पे उपस्थित जितने भी गुरुजन हैं, माननीय लोग हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। और यहाँ पे उपस्थित सारे बच्चे जो अभी सर से ट्यूशन ले रहे हैं या लेने वाले हैं या ले चुके हैं, सभी को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है, जैसे कि बहुत सारे अभी सब लोग बहुत ही अच्छी अच्छी बातें अभी आपको बता के गए हैं, संतोष सर, काटरे सर से सारे लोग, सम्मानित लोगों ने आपको बताया है कि लक्ष्य बहुत जरूरी है। आप जो भी करना चाहते हैं अभी से, इसी वक्त से उसके बारे में सोचना शुरू करें। बिना लक्ष्य हम जाएंगे कहाँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपको कहीं जाना है, मैंने बोला आप यहाँ से रायपुर जाइए, तो रायपुर जाने के लिए अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो रायपुर का टिकट लेना पड़ेगा। टिकट काउंटर में जाकर आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे रायपुर के लिए टिकट दीजिए। अगर आपको यही नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप जाके वहां पे क्या बोलेंगे कि मुझे कहाँ का टिकट चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपना लक्ष्य डिसाइड करिए, सोचिए कि मुझे क्या करना है, और उसके लिए बस मेहनत में लग जाइए। कई लोगों का, मेरे भी बच्चे हैं और कई बच्चे से मिलते रहते हैं, तो उन लोगों का एक समस्या रहता है, और वो जो समस्या है वो कॉमन है। बहुत पहले भी वही समस्या था और आने वाले समय में भी वही समस्या रहेगा कि सर हम कैसे करें, क्या करें, बहुत सारी परेशानियां हैं, ऐसा लोग कहते रहते हैं। एक्चुअली जिंदगी में जो भी इंसान सक्सेस है उसके पास हमेशा परेशानी रहेगा ही, उस परेशानियों से लड़कर हमें आगे निकलना पड़ेगा। हर एक इंसान जो सक्सेस है उन्हें हम जरूर देखते हैं, पर उनके पीछे की मेहनत हम भूल जाते हैं। तो हमें उनकी मेहनत पे फोकस करना होगा कि कितने मेहनतों के बाद उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचा है। और खूबी सर का नाम पूरे भिलाई में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी बहुत फेमस है सर, और इनके मार्गदर्शन में मेरे नॉलेज के अंदर इतने सारे बच्चे जो है सक्सेस हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसी तरह आप पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से मेहनत करके आप जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में बनना, उसके पीछे बस मेहनत मेहनत और मेहनत ही करिए। थैंक यू, धन्यवाद।